ज़ोमैटो में 30 दिन तक काम करके। 30 दिन या 3 महीने बोला आपने? हाँ 3 महीने। 3 महीने ना। देखो सीन क्या है, हेलो दोस्तों, होप यू आर डूइंग वेल। तो फिलहाल का सीन ये है कि आज बहुत सारा काम है, तो उसे सबसे पहले कंप्लीट करने से पहले अभी नहाते हैं, उसके बाद थोड़ा खाना पीना खाते हैं, क्योंकि आज अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, 12 साढ़े 12 बज रहा है और मैं अभी उठा हूँ क्योंकि मैं सुबह 6 बजे सोया था, कल कुछ ज़्यादा काम हो गया था इसलिए। तो फिलहाल तो अभी आई थिंक बारिश हुआ है क्या मम्मी? आज बारिश हुआ है बहुत ज़्यादा, पत्थर पड़ा है, पत्थर पड़ा और अभी तक सोशल मीडिया में लगा है। आज इंस्टा और ट्विटर क्या खोल लिया, बस उसी में तब से लगा है, उसी में सही में लगा है यार। अरे एक रील डाल रहा था ना, तो वही कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है पहले दिन ही। हैशटैग हाँ, क्या हैशटैग? हाँ हैशटैग लिख रहा हूँ अभी, देख रहे तुम भी। तो पढ़ाई कब करेगा? अभी कर रहा हूँ। हाँ 5 बज गया बाबू, शाम के 5 हो रहे हैं और इधर खाना बन रहा है। खाना तैयार, किस चीज़ क्या बना रहे? दाल बना रहे, अच्छा वही फेवरेट वाला दाल, वैसे ही बनाएगा जैसे बनाते हैं। हाँ। ठीक है ना। तो फिलहाल का सीन अभी ये है कि अभी मैं एडिटिंग कर रहा हूँ और 5 बज चुके हैं, शाम के खाना बन रहा है, भूख लग गया है, खाना है जल्दी। और वो फेवरेट खाना बन रहा है जो दाल और चावल, मतलब कि वो जो दाल होता है ना मम्मी जो बनाते हैं, बहुत टेस्टी मज़ेदार आता है, मज़ा आता है खाने में। तो तब तक खाना बनता है, तब तक इधर एडिट करते हैं और अभी मिनी ब्लॉग भी आ ही जाएगा 7 बजे, एडिट करके उसको भी डालना ही है। तो फाइनली अभी एडिट का काम चल रहा है, अभी ऑन प्रोसेस में है। और फिलहाल तो अभी टाइम जो हो रहा है 10 बज रहा है और 10 बज रहे हैं, तो अभी भूख भी लग गया है, तो अभी थोड़ा सा खाना पीना खाते हैं, उसके बाद फिर एडिटिंग पे बैठेंगे। लेकिन एडिटिंग करके अभी कट्स मार कर बैठूँगा, मतलब कट इसमें लगा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं फाइनल जो होगा इसमें फुटेज और बाकी सारी चीज़ करके फाइनलाइज कर दूँगा। ठीक है, ये आ चुका है, ये खड़ा है पीछे। क्या कर रहा है पीछे? बस खड़ा, मतलब बस खड़ा है, बस यही करो और कुछ मत करो। कह रहा है उसने कंटेंट बन जाएगा लैपटॉप का, खाने के लिए बैठा तो इतने पे लैपटॉप रखा हुआ है, लैपटॉप का। अच्छा ये समझ गया, गिर जाएगा मतलब, अभी समझ नहीं आया, टूट जाएगा डिस्प्ले। 3 महीने बाद, 3 महीने छोड़ो, 3 महीने ले लेगी, ले लेना। किडनी का क्या करूंगा? खाना हो गया आपका? हां हो गया। क्या खाए? दाल चावल। वही खाना देखो मेरे पास भी आ गया। तो आज का हमारा ये खाना है दाल चावल, वही फेवरेट वाला दाल चावल, तो मज़ा आएगा खाने में। भी खाते हैं सबसे पहले और इधर एडिटिंग। वॉक पे नहीं जाओगे क्या? अच्छा पे नहीं जाओगे? अच्छा हाँ, इन्होंने एक चीज़ मुझे चैलेंज किया है। क्या चैलेंज किया है? ज़ोमैटो में 30 दिन तक काम करके। 30 दिन या 3 महीने बोला आपने? हाँ 3 महीने। 3 महीने ना। देखो सीन क्या है, इन्होंने अभी कहा मेरे को कि बेसिकली तुम में अगर हिम्मत है तो 3 महीने ज़ोमैटो में काम करके दिखाओ, 6 घंटे 6 से 7 घंटे। इससे ये बेनिफिट मेरे को बता रहे हैं, मेरे को इससे बेनिफिट ये लग रहा है 3 महीने अगर मैं करके देखा तो ये तो एक तो फिटनेस बन जाएगा, और वो भी साइकिल से करने का चैलेंज है, ना स्कूटी से ना बाइक से ना किसी और से, साइकिल से करने का चैलेंज है, तो ये टफेस्ट है। तो मेरे को 3 बेनिफिट मिलेगा, पहला तो फिटनेस का, दूसरा इनकम तो हो ही जाएगा एक्स्ट्रा, और तीसरा जो है, तीसरा क्या, वीडियोज़ भी बन जाएंगे, अच्छी वीडियोज़ बाहर रहेंगे। तो क्या करें, चैलेंज एक्सेप्ट करें या ना करें, आप बताओ। ठीक है, वीडियो के कमेंट में बताना चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वैसे तो मैं चैलेंज रिजेक्ट करने की सोच नहीं रहा क्योंकि फ़ायदे का चैलेंज है। मैं इन्हें बोला कि मेरे को, क्योंकि ये जिम ट्रेनर है, और मैं इनको बोला कि क्या कि मेरे को बताओ कि कैसे फिट होना है, डेली मैं कहता रहता हूँ, क्योंकि ये जिम जाते हैं, मैं जिम नहीं जाता। तो बोले कि ये काम करो, इससे तुम्हारा फिटनेस भी सही हो जाएगा और तुम्हारा इनकम भी अच्छा हो जाएगा। तो फिटनेस के लिए करना बनता है ना। देखूँगी कितने दिन कर लेगा। तो फिलहाल अभी ये खाना खाते हैं और चैलेंज कंप्लीट करने के लिए कल से निकलेंगे। तो फिलहाल का सीन मतलब ये है कि मुझे एक तरह से चैलेंज मिला है 3 महीने का, क्योंकि मैं बार बार उनसे पूछ रहा था फिटनेस। उन्होंने कहा चलो मैं एक तरीका बताता हूँ तुम्हें, तुम्हारा सारा काम भी होता रहेगा, तुम्हारा फिटनेस भी हो जाएगा। तो मैंने बोला बताओ ऐसा क्या है, तो उन्होंने बोला कि ये डिलीवरी का काम कर लो, ये ज़ोमैटो का, 3 महीने लगातार अगर तुमने कर लिया तो आई चैलेंज यू, तुम्हारा फिटनेस जैसे जैसे मैं बताऊँगा वैसे वैसे करोगे तो नेक्स्ट लेवल का होगा, वो भी साइकिल से करना है। चैलेंज ये है, सोचो टोटल मतलब 1000 ऑर्डर, 1000 ऑर्डर का टारगेट है, मीन दैट डेली पर डे 10 ऑर्डर। तो देखते हैं क्या होता है। इन्होंने मेरा आईडी बना दिया, लेकर फ़ोन लिया इन्होंने, पेमेंट सारा इन्होंने ही कर दिया, आईडी भी बना दिया मेरा और कल से 3 गिग्स इन्होंने बुक भी कर दिया। अब कल का क्या सीन होता है वो देखते हैं, क्या चक्कर होता है। और अगर आप इस चैनल पर अभी बने रहेंगे 3 महीने, तो ये 3 महीने आपके बहुत ही खास होने वाले हैं। मॉनिटर करेंगे कि कैसे ये 3 महीने ये चैलेंज बीतने वाला है और क्या ट्रांसफॉर्मेशन इस चैलेंज से मुझे मिल सकता है ना। तो बहुत ही मतलब कि बताएँ तो इंटरेस्टिंग जर्नी होने वाला है। अगर चैनल को अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत ही वैल्यूबल कंटेंट मिलने वाला है। बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे, खासकर लंबी वीडियो, और छोटी वीडियोस तो डेली आती रहती हैं, शाम में डेली आएंगे वो मिनी ब्लॉग्स में, और भी इंटरेस्टिंग। अभी बाहर जाएंगे तो और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाएंगे, मिनी ब्लॉग्स। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और थोड़ा नर्वस भी और थोड़ा डर सा भी लग रहा है। देखते हैं एक्चुअली में होता क्या है। तो जो भी है ठीक है, तो मिलते हैं कल से रेगुलर। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार जर्नी होने वाला है। तो आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा आने वाले रेगुलर ब्लॉग्स के लिए। फिलहाल का ब्लॉग यहीं पर रखते हैं। आई होप यू लाइक दिस ब्लॉग। अगर ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही रेगुलर ब्लॉग्स के लिए चैनल पर बने रहें।